फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर त्रिपाठी और हम सेट्स का अगला वीडियो जो वीडियो नंबर 2 है वो देख रहे हैं, जिसमें मैं कुछ और बेसिक बातें आपसे डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अगर मैं कहूं कि 2 इसके अंदर बिलोंग करता है कि नहीं, तो आप कहोगे 2 बिलोंग्स टू ए। अगर मैं कहूंगा 4 बिलोंग करता है क्या, तो यू विल से 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो अब हम इसके इसके छोटे छोटे से सेट्स बनाते हैं, इसके छोटे छोटे से टुकड़े करते हैं और उनको भी सेट के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखता हूं यहां पर 1, 1, इसके अंदर दूसरा लिख दिया 1, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया 2, 3 लिख दिया, और दूसरा लिख दिया मैंने 1, 3 लिख दिया। तो दे आर कॉल्ड सबसेट्स। इनको क्या बोलेंगे हम? सबसेट्स। इस सेट्स के जो छोटे छोटे हिस्से होंगे जिनको सेट्स के अंदर लिखेंगे वो दे आर कॉल्ड सबसेट्स ऑफ द सेट ए। तो बेसिकली क्या डेफिनेशन है सबसेट की? तो फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं अपन सबसेट की, और सबसेट का सिंबल भी देखो। सबसेट का सिंबल ए है, सिंबल सबसेट। तो देखेंगे अपन, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट होगा कब, और लिखेंगे कैसे इसको? बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट होगा कब होगा? व्हेन इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर कंटेन्ड इन ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो तो बी इसका सबसेट होगा। तो जैसे ए के सारे सबसेट में कौन सा? एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। क्या ये ऐसा हो सकता है? हाँ, एक और हो सकता है ऐसा। क्या ये ऐसा हो सकता है जिसमें 3 हो? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से इसके सारे एलिमेंट इसमें होना चाहिए, इसके सारे इसमें होना चाहिए, इसके सारे इसमें होना चाहिए। इसी तरीके से एक और हो सकता है आपका, वो हो सकता है 1, 2, 3। इसके भी सारे एलिमेंट्स किसके अंदर है? इसके भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, तो ये भी इसका एक क्या हो गया? सबसेट हो गया। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो नोट करके रखो आप, कि फाई एक ऐसा सेट होता है। फाई मींस, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट इज अ सेट विच इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, वो सभी का सबसेट होता है। तो फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स, फाई सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो इसका एक सबसेट और हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फाई। या तो ये बोलो आप, या फिर उसको क्या बोल दोगे आप? फाई बोल दोगे। तो ये सारे इसके सबसेट्स हो गए। कितने सबसेट्स हो गए? अच्छा, गिनती भी मार लो इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए? 8 हो गए। अब अगर एक मैं दूसरा सेट आपको देता हूं, उसके भी हम सबसेट्स लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि P एक सेट है विच कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, कौन कौन से 2 एलिमेंट है उसके? A और B। तो इसके सारे सबसेट्स कौन से होंगे? इसके सारे सबसेट्स होंगे, इसके सारे सबसेट्स याद देखिए कौन होगा? एक तो फाइव होगा, जो मैंने बताया सबका ही होता है। एक होगा आपका A, एक होता है आपका B, और एक होता है ए बी। तो ये कितने हो गए? ये कितने हैं? ये देखो आप गिनती करके देखो, ये 4 है। ये कितने थे टोटल? 8 थे। अगर एक कोई क्यू एक सेट बना दे जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है x, अगर इसके सबसेट्स लिखने होंगे तो इसके सारे सबसेट्स होंगे सबसेट्स ऑफ क्यू विल बी, कौन कौन से सबसेट्स होंगे वो देखिए, एक तो होगा फाइव और एक होगा x। तो ये कितने हो गए अपने पास? 2। तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो इसके सबसेट में कितने एलिमेंट है? तो देखो इसके सबसेट में एलिमेंट है 2 to the power 1। नोट करिए आप, इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो इसके सबसेट्स में कितने एलिमेंट है? तो इसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? इसकी कार्डिनलिटी है 3। तो इसके सारे सबसेट्स कितने हुए? नंबर ऑफ सबसेट्स इसके सारे सबसेट्स कितने हुए? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हुए 2 to the power 3। कितने हैं? 8 हैं, 2 to the power 3। यानी इसके सबसेट्स हो गए 8 सबसेट्स हो गए। अगर अपने पास कोई एक सेट है R जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं A B C D, तो इसके सारे सबसेट्स कितने होंगे? तो इसके सारे सबसेट होंगे नंबर ऑफ सबसेट्स। N डिनोट्स नंबर, N को कहेंगे नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, कितने सबसेट्स होंगे इसके?
नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, आर के सबसेट्स कितने होंगे, 2 to the power 4, दैट इज 16. तो 16 सबसेट्स आर पॉसिबल, 16 सबसेट्स इसके होंगे. अब सबसेट्स से एक बात और याद आई, एक और टर्म है उसको कहते हैं पावर सेट. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना ही होगी, पावर सेट. पावर सेट किसको कहते हैं, पावर सेट. तो पावर सेट इज नथिंग बट अ सेट, ये एक सेट ही है. पर इस सेट के अंदर कौन रहता है, तो इट कलेक्ट्स ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स, ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट, ऑफ अ सेट. इसको डिनोट किससे करेंगे, तो इसको डिनोट करेंगे पी ऑफ ए, अगर ए का पावर सेट है पी ऑफ बी, इसको डिनोट करेंगे पी ऑफ सी एंड सो ऑन. जैसे ये भी एक क्या है, ये भी आप देखो नोट करो, ये ए है, ए कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स, ए कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स है, तो ये सारे सबसेट्स है. तो ये क्या बन गया अपना, ये क्या बन गया, ये अब हमारा बन गया है पावर सेट. पावर सेट ऑफ वॉट, तो ये बन गया पावर सेट ऑफ, किसका पावर सेट बन गया, ये बन गया पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए बन गया. ये किसका पावर सेट है देखिए जरा, ये वाला देखेंगे, ये किसका पावर सेट है, ये पावर सेट बन गया, ये सारे सबसेट्स हैं, तो ये बन गया पावर सेट, किसका पावर सेट बन गया, तो ये पावर सेट बन गया है पी का. ये किसका पावर सेट है, ये वाला देखेंगे, ये वाला किसका पावर सेट है, तो ये पावर सेट है, सारे सबसेट्स ऑफ क्यू क्या बन गए, जब ये किसी सेट के अंदर आ जाएंगे तो ये बन गया है पावर सेट ऑफ क्यू, क्यू का पावर सेट बन गया. और अगर इसका पावर सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ आर इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर. देखो आर के अंदर, आर के पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 16, क्योंकि आर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, आर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो आर के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहां आर का मतलब कोई सेट है, वैसे आर को रियल नंबर्स भी कहते हैं, पर यहां आर का मतलब रियल नंबर नहीं है. तो एक रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप नोट भी कर लें, ध्यान भी रखें, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. अगर ए में 20 एलिमेंट है तो पावर सेट में 2 to the power 20 एलिमेंट्स होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछते हैं इसे, तो आप ध्यान रखिएगा. और फाई में कितने होंगे, तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि फाई में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ फाई इज इक्वल टू, तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई, तो 2 to the power कितना हो जाएगा, 0. तो इसमें कौन होंगे, इसमें एक एलिमेंट होगा, पावर सेट विल कंटेन ओनली 1 एलिमेंट. अब आप नई डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं आपसे, वो डेफिनेशन है प्रॉपर सबसेट की, प्रॉपर सबसेट की. तो इसमें सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा डिफरेंस है. जैसे कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट, और इसका सिंबल जो है वो इस तरह से है, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, B के सारे एलिमेंट A में होना, सबसेट का मतलब है कि B के सारे एलिमेंट A में होना, बट A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, A के सारे B में नहीं होना, A के सारे B में नहीं होना. अगर ऐसा फिर हो जाता है तो फिर ये इसका सबसेट नहीं रहेगा. देखिए कैसे, जैसे एक सेट है A, इसके अंदर है अपने पास एलिमेंट 1, 2, 3, B एक दूसरा सेट है, बी दूसरा सेट है 1, 2, 3, तो बी ए के, बी के सारे एलिमेंट किस में, ए में, ए के सारे एलिमेंट किस में, बी में. पर ये इस केस में बी, देयरफॉर बी कैन नॉट बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा. क्यों,
अगर ऐसा हो जाता, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, तो बी किसका सबसेट है? ए का सबसेट है। ए बी का सबसेट है क्या? ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? नहीं, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो देयरफॉर बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो बी ए का क्या हो जाता है? प्रॉपर सबसेट हो जाता है। बी ए का प्रॉपर सबसेट हो गया, क्यों? क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में पर ए के सारे बी में नहीं है। इसका मतलब ए एक्चुअली बी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ए में कम से कम एक एलिमेंट तो बी से ज्यादा होना ही चाहिए, तब इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसमें जो ए है, ध्यान से सुनिए, बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बी प्रॉपर सबसेट ए का है। तो ये जो ए है, ये ए क्या चीज है? ए को सुपरसेट कहते हैं। ए बड़ा होने के कारण क्या कहलाता है? सुपरसेट। तो ए इज कॉल्ड अ सुपरसेट ऑफ बी इफ बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ऐसा भी कहते हैं अपन, बी के सारे एलिमेंट ए में है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ए थोड़ा सा बड़ा होगा बी से। तो अगर कोई सेट, मान लीजिए कोई सेट सी है, ये प्रॉपर सबसेट है डी का, सी अगर प्रॉपर सबसेट है डी का, तो इसका मतलब है, इट इंप्लाइज कि सी इज अ सबसेट ऑफ व्हाट? सी इज अ सबसेट ऑफ डी। सी डी का क्या होगा? सबसेट तो होगा ही होगा, पर डी जो है सी का सबसेट नहीं होगा। तो अगर सी प्रॉपर सबसेट है डी का, तो सी सबसेट होगा डी का। अब आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सबसेट है कोई, तो सबसेट को आप सोचिए कि ये क्लास 10th है, और प्रॉपर सबसेट को समझिए आप ये क्लास 12 है। तो कोई अगर 12th पास है तो नेचुरली 10th पास होगा, तो कोई अगर प्रॉपर सबसेट है तो नेचुरली सबसेट होगा। पर अगर कोई सबसेट है, कोई 10th पास है, तो जरूरी नहीं कि वो 12th पास हो, जरूरी नहीं कि वो 12th पास हो। तो कोई अगर सबसेट है तो इट डज नॉट इंप्लाय, सॉरी, सबसेट डज नॉट इंप्लाय प्रॉपर सबसेट, बट प्रॉपर सबसेट है कोई, तो इसका मतलब है कि वो उसका सबसेट होगा ही होगा। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा आप। तो सबसेट होना जरूरी है प्रॉपर सबसेट के लिए, सबसेट होना जरूरी है, पर कैसा होना जरूरी है? कि ए बी का हो, सॉरी, बी ए का हो सबसेट, पर ए बी का सबसेट नहीं हो, ए थोड़ा सा बड़ा हो, तब बी क्या बनेगा? उसका ए का सबसेट बनेगा, जैसे आपने यहां देखा। और अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे जरूर से लिखिएगा, आई विल फील हैप्पी टू रिस्पॉन्ड यू। इसलिए आप लिखने में कोई संकोच ना करें। अब आती है बात इक्वालिटी ऑफ सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब कहलाते हैं? तो इक्वालिटी ऑफ सेट्स देखते हैं अपन, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, दो सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे? इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ए और बी को इक्वल कहेंगे, ए बी का सबसेट हो और बी किसका सबसेट हो? ए का हो, ए बी का हो और बी किसका हो? ए का हो। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ए इज अ सबसेट, ए इज इक्वल टू बी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लें, ए के अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 2, बी के अंदर एलिमेंट्स है 2, 1, 3, 3। आप देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। ये कितनी बार है? ये दो बार है। कौन से दो बार है? 2 और 2 दो बार आ रहे हैं, तो दे विल बी काउंटेड वंस, इसको हम एक ही बार गिनेंगे। इसमें देखिए 3 और 3 दो बार आ रहे हैं, तो 3 और 3 को एक बार ही गिनेंगे। तो इसके अंदर कितने? इसके सारे एलिमेंट्स उसमें, उसके सारे एलिमेंट्स भी इसमें। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए और बी दोनों सेट्स कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा केस है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी आप याद रखो, दूसरे में ले दिया, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये एक सेट है, और दूसरा सेट है बी, जिसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1, 0, 2। तो ये भी बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप x कॉमन लेके फैक्टर बना के, तो इसके एलिमेंट्स यही आएंगे, कौन कौन से?
जीरो वन टू। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, देयरफॉर दीज टू आर इक्वल सेट्स। इसलिए ये दोनों सेट्स कैसे होंगे, बराबर सेट्स होंगे, इसलिए दोनों बराबर सेट्स होंगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखना। अभी हमने क्या डिस्कस किया आपसे इस वीडियो में, मैंने आपसे डिस्कस किया है सबसेट्स क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, और पावर सेट डिस्कस किया है। आप अपने दोस्तों के साथ इन सब बातों को शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं इसको आपके साथ ऑपरेशन ऑन सेट्स, कौन कौन से ऑपरेशन सेट्स पर होते हैं, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूँ। और तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।